दोस्तों इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि गिरी ट्यूटोरियल 2022 के एग्जाम के लिए लगातार कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आ रहा है, तो वैसे ही आज का हमारा ये जो सेशन है, आज मैं आपके लिए सिमिलैरिटी 10th क्लास के लिए इस लेसन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों इसके अंदर इस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये जो सीरीज है या तो ये जो लेसन है, इसके अंदर आपको सॉल्व एग्जाम्पल से रिलेटेड भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है और कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से लिख के दिए हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं 2022 के लिए। तो दोस्तों अगर आपने इन क्वेश्चन को अगर सिस्मेटिक अच्छे से कवर कर लिया तो आपका 2022 का बोर्ड एग्जाम, इस लेसन से जो भी क्वेश्चन आएंगे पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों एक और चीज का आपको ध्यान में रखना है कि इस लेसन से रिलेटेड यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिया है और इसमें से भी मैं यहाँ पे भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अंदर भी मैं दूंगा, तो आप वन बाय वन सिस्टमेटिक अच्छे से आप देखते जाओ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्सरसाइज नंबर 1.1, तो 1.1 में हमने दो ही क्वेश्चन लिया है। अगर आपने दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए सिस्टमैटिक, अगर आपने ये दो क्वेश्चन सिस्टमैटिक अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको जो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2022 का, उसके लिए इस एक्सरसाइज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, और जो मैं आईएमपी देता हूँ वो बोर्ड एग्जाम में मोस्टली आता ही है, और ये वाला जो सेकंड जो क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क मैं कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आपको सिस्टमैटिक करना है, और यहाँ पे इसे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, पर उसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ किस पे आपको और भी फोकस करना चाहिए। तो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम ने पूछा है। अब यहाँ पे मैंने अपनी ओर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। ये जनरली आपको क्वेश्चन बुक में नहीं दिखाई देगा, और दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। देखो यहाँ पे मैंने गिवन डेटा लिखा है कि लाइन एल पैरेलल टू बीसी, हमें गिवन दिया हुआ है, ये 2 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है, और हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम बीपीडी थ्योरम का यूज करके हम ये वाईसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन है, जो आपके बुक में नहीं है पर मैंने बना के दिया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थ्योरम दिखाई दे रहा होगा, इस पूरे लेसन में ये थ्योरम फर्स्ट है, ये थ्योरम आपको अच्छे से करना है सॉल्व। बीपीडी थ्योरम है, सिस्टमेटिक अच्छे से कवर कर लेना है, और इसके साथ आगे आपको दिखाई देगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बस दो क्वेश्चन और एक मेरी ओर से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दिया हूं, ये 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। देन उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे हमने सेकेंड एक्सरसाइज में जो मैंने वहां पे एक क्वेश्चन खुद से बनाया था, वो सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, और एक मैंने क्वेश्चन नंबर 10th है। यहाँ पे आपके बुक में फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में है, मे भी हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में वो इस फॉर्मेट में भी आ जाए, तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स का तो प्रैक्टिस कर लो, बट ऐसे भी आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.3। अब देखो 1.3 में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने ज्यादा ले लिया है, बट इसमें मैं आपको आईएमपी मार्क करके दे दे रहा हूँ, कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर बोर्ड एग्जाम की बात करूँ, तो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। और अगर मैं इसे बात करूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन भी अगर प्रूफ में आया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो बचे हुए ये दो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चंस आईएमपी में कर रहा हूं, एटलीस्ट ये तीन क्वेश्चन तो कम से कम इस एक्सरसाइज से आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम बचा तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सॉल्व कर लो। अब यहां पे इसके बाद वाला नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, वहां पे आपको एक और थ्योरम दिखाई देगा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, मैंने बीपीटी बताया, और एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, ये दो थ्योरम आपको इस लेसन से सिस्टमैटिक कवर कर लेना चाहिए। ये थ्योरम भी आपको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, या तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा या तो ये थ्योरम आ सकता है। देन उसके बाद यहां पे मैंने सॉल्व एग्जांपल का ये क्वेश्चन लिया है, ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो कहीं पे भी आपको मैं एक हिंट भी दे रहा हूं, कहीं पे भी अगर ऐसा सिमिलरिटी का सिंबल आया कि अगर दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है और वहां पे एरिया दोनों ट्राइंगल का दिया हुआ होगा या तो दो साइड होगा, और तो समझ जाना कि ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों 2022 का एग्जाम गारंटीड क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन
इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है नंबरिंग चेंज हो जाए, मे भी हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, बट 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन तो कुछ मत करना, कम से कम ये क्वेश्चन कर लेना। पहचानोगे कैसे? सिमिलर है, सिमिलर के बाद दोनों ट्राइंगल दिया हुआ है और यहां पे दो साइड दिए हुए हैं, दो साइड दो ट्राइंगल, हो सकते हैं कि दोनों सिमिलर दिए हो। कभी कभी सिमिलर खुद से करना पड़ता है पर मोस्टली सिमिलर दिया होता है, तो तुरंत क्लिक कर लेना कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। देन इसके बाद यहां पे मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.4, अगर आपने उस क्वेश्चन को कर लिया तो इसे ज्यादा नहीं करोगे तो भी चलेगा। 1.4 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया जो सिमिलर है, हाँ ये क्वेश्चन आईएमपी मार्क करके दे रहा हूं, अच्छे से सॉल्व करना। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो बोर्ड एग्जाम 2022 में आपको लेसन नंबर फर्स्ट में कोई भी आउट ऑफ मार्क्स लेकर आने से रोक नहीं सकता है। सर आप क्या बोल रहे हो? सर ये बोल रहे हैं कि 2022 में इतने क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप गिन के अगर पूरा कैलकुलेट भी करोगे तो ज्यादा से ज्यादा जो मैंने उसके अंदर भी आईएमपी दे दिया, देखो यहाँ पे बस एक ही क्वेश्चन मैंने दिया, चाहिए तो ये दो आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ये आपको कंपलसरी करना, दो क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे मैंने तीन क्वेश्चन दिए, टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिया है पर उसमें से जनरली आप इतना भी ये वाला करना तो करो, तो समझो 6 क्वेश्चन हो गया, 7, 8 क्वेश्चन में और 2 थ्योरम, मतलब 10, अगर आपने टोटल 10 क्वेश्चन किया तो इस लेसन से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कर लेना। हाँ अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं नेक्स्ट लेसन का भी लेकर आऊंगा और ऐसे पूरे के पूरे अल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री का पूरा कंप्लीट करूंगा, देन साइंस का भी लेकर आऊंगा सीरीज, और साथ में प्रॉब्लम सेट का भी लेकर आऊंगा, और बोर्ड एग्जाम का जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो मैं मैच करके भी दूंगा कि वैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे ये देखो मैंने क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन तो दिखाई देगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, दिल से थैंक्स। जितना हो सके इसको अपने दोस्तों तक शेयर करो और आप भी अपना सपोर्ट दिखाओ, और आपको अच्छा लग रहा होगा तो ऐसे ही अगर 12th वाले भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो 12th वालों को भी ऐसा सीरीज चाहिए तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।